नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। सो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। सो मिस्टर रजोरा भी लेटे हुए हैं और आज है संडे, तो आज हम अपना संडे एंजॉय करेंगे। फिलहाल बज रहे हैं 9:30 और हमने काम वगैरह जो सफाई साफ सफाई होती है वो कर ली है। खाने में आज मैं बना रही हूँ दम आलू, कुछ स्पेशल ट्राई करते हैं, देखते कैसे बनते हैं। सो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, साफ सफाई हमारी हो चुकी थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू रायता और बनाएंगे साथ में लच्छा पराठा। सो जिसके लिए मैंने जो सामान लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये लिए है मैंने मिनी पोटैटोज, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं, सिर्फ मैंने एक ही सीटी लगवाई है इसमें। लहसुन टमाटर प्याज और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। सो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ दम आलू। ये मैं इसको पहले छील लेती हूँ, उसके बाद इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ ये जो मैंने टमाटर और प्याज लिए हैं, प्याज को सिर्फ मैं चॉप करूँगी और इसको अच्छे से मैं ग्राइंड मिक्सर में पीस लूँगी, साथ में लहसुन भी। ठीक है, तो अभी बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं बहुत दिनों बाद मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे बहुत शौक है नई नई चीज़ें बनाने का, तो आज दम आलू बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। सो, दही मैंने रात को, हम घर पे ही दही जमाना प्रेफर करते हैं, फिर उसको बाहर का दही पसंद नहीं है। सो, दही मैंने जमा के रख दिया था, उसका रायता बनाएंगे। और लच्छा पराठा के लिए मैंने ऑलरेडी डो लगा कर रख दिया है, जब तक अच्छे से सेट हो जाएगा। सो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने जो आलू हैं बॉईल वो छील लिए हैं अच्छे से। इसमें अभी मैं फॉर्क की हेल्प से इसमें छील कर लूँ अच्छे से। तो ये इसकी हेल्प से हम इसमें अच्छे तरीके से होल्स कर देंगे, ताकि जब हम इसे शैलो फ्राई करें तो अच्छे तरीके से हो जाए। और जब हम ग्रेवी प्रिपेयर करें तो ग्रेवी में भी इनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये मैंने कढ़ाई में रख डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल शैलो फ्राई करने के लिए। तो प्रिंस को लग रही है भूख, ये ऑयल गर्म हो जाता है। इससे पहले मैं प्रिंस को कुछ चिप्स हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है प्रिंस को, ये है प्रिंस की फेवरेट चकास पापड़, तो ये मैं फ्राई कर दूंगी उनके लिए, ताकि उनकी भूख थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए दैट टाइम। तो यहाँ पे मेरा ऑयल हो चुका है गर्म। सो आलू फ्राई करने से पहले मैं प्रिंस के लिए कुछ यहाँ पे चिप्स फ्राई कर देती हूँ। और सच में ये चिप्स बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। तो चिप्स मेरी हो गई फ्राई, थोड़े से और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया चिप्स। अब
इसमें मैं डाल देती हूँ आलू फ्राई करने के लिए। तब तक फ्राई करना जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं अपना मसाला भी प्रिपेयर कर लूंगी। तो अभी तो इनमें लगेगा थोड़ा टाइम। मेरे आलू हो चुके अच्छी तरीके से फ्राई, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। प्लेट पे भी रख रही हूँ तो धमधम आवाज आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं ये। अगर इनकी चाट बने तो वाह मजे आ जाए, बट फिलहाल तो मैंने यहाँ पे इन्हें आलू दम बनाने के लिए फ्राई किया है। सारे आलू मेरे निकल चुके हैं, साथ ही साथ इसमें से थोड़ा निकाल के मैं ऑयल, मैंने प्याज काट लिए हैं, लहसुन, और साथ ही साथ जब तक इन प्याज पीसिंग फ्राई होंगे इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। टमाटर में मैं साथ में ये कुछ साबुत लाल मिर्च भी पीस लूँगी। प्याज अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैंने ये जो टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना रखा है यहाँ पे। कि टमाटर पक रहा है मैं अपनी बाकी की जो रेसिपी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो ये मैंने रात को दही जमा कर रख दिया था, पक चुके हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ दही और अपने मसाले जो कि मैंने डाल मिक्स करके रखे थे। Thank you.
मैंने पानी में इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दी क्योंकि आलू इसमें डालूंगी तो ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। अब इतनी भी ज्यादा ग्रेवी थिक अच्छी नहीं लगती। सो इसमें बॉईल आने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूंगी और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ मेरी ग्रेवी में भी आ रहा है बॉईल अच्छे से। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये आलू जो कि मैंने फ्राई करके रखे थे। इसको भी मैं ढककर पकने के लिए छोड़ देती हूँ करीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से पक जाएंगे। अब एक नजर लगा लेते हैं अपनी सब्जी की तरफ किस कदार पर पहुंच चुकी है। तो ये बन रही है सब्जी। इसमें मैं मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ और 2 मिनट पकाने के बाद मैं अपने लच्छे पराठे की रेसिपी शुरू कर दूँगी। लंच के साथ जिसमें मैंने बनाया है रायता, दम आलू सैलेड प्लस पराठा। तो लेके चलते हैं अपने, इसका देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आता। चलो सो खा के बताना कैसे बने हैं। अभी हम हो चुके इवनिंग और हमें थोड़ी देर बैठना है बाहर, इसके लिए पंखा बाहर लगा दिया हमने और चेयर भी आ चुकी है। तो अभी यहीं बैठेंगे थोड़ी देर मजे लेंगे यहीं बैठ के। अभी मैंने यहीं पर रख दिया, इसको चला लेता हूँ।
सकते हैं। तो घर थोड़ी सी ठंडक है, यहीं बैठेंगे और पार्क के मज़े लेंगे, जो पार्क में ये सब खेल रहे हैं। अभी चलते हैं, थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, फिर हो जाएगी रात, खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। पंखा बालकनी में, मैडम आ चुके हैं यहाँ पे हमारा वो लेके, क्या है मैंगो शेक। मैडम जी मैंगो शेक खिला रही है, ठंड में चाय नहीं पी आज हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो चाय हम नहीं पिएंगे। मैडम यहीं बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे सामने देखो एरोप्लेन जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एरोप्लेन, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम एवरीवन।